नमस्कार, मैं हूं सनोबा जाकिर और आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। तो आइए बढ़ते हैं सबसे तेज बुलेटिन की ओर। झांसी में व्यापारी संगठन कैंट के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी ने GST लागू करने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये कदम हड़बड़ी में उठाया गया। झांसी गरौठा के ग्राम गुणा में महर्षि विश्वामित्र क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मुकाबला खेरी व नगारा घाट के मध्य हुआ। खेरी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया तथा निर्धारित 16 ओवरों में 98 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। झांसी के मोरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नवजात कन्या का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मोरानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बढ़ती महंगाई को देखकर जनपद जालौन के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ कोविड-19 की मार तो दूसरी तरफ महंगाई से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी में बढ़ती महंगाई को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा थाना क्षेत्र के ग्राम घोषण में आज दोपहर को खेत में पानी लगा रहे किसान पर दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी व लाठी से जानलेवा हमला कर मरणासन्न कर दिया, जिसको स्वजनों ने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर बांदा के लिए रेफर कर दिया। महोबा जिले में चकबंदी विभाग द्वारा चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो वहीं किसानों ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जमीन के चकों को मूल घाटे पर ना बनाकर उन्हें उड़न चक बनाए जाने तथा अधिकारियों द्वारा चकों को सही कराने के एवज में रुपए वसूली के आरोप लगाकर जिलाधिकारी से न्याय की कड़ी गुहार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।